नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ही एक नया मोड़ आ गया दर्शकों। बजरंग पूनिया क्या जेल जाएंगे या फिर बजरंग पूनिया क्या वाकई में जो है वो खास करके कोर्ट जाएंगे, ये खबर दर्शकों मेरे सामने आ रही है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजरंग बिनेश को एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री को लेकर बवाल मच गया। हेड कौन कमेटी ने ट्रायल से छूट दी और अन्य रेसलर्स विरोध में आ गए और कहा कि अब हम कोर्ट जाएंगे। क्या ऐसा होने से वाकई में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? आपको अगर मैं बताते चलूं तो दरअसल धरना प्रदर्शन करने वाले ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को होंग झोई में होने जा रहे एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। अब इनके चयन पर दरअसल विरोध और बवाल मचना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये गलत है सरासरी, और इसीलिए जो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो नाराज़गी जता रहे हैं। हालांकि इसे पहले भी नाराज़गी जताया था। अब क्या कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। वहीं आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में कल सुनवाई हुई, अगली तारीख दे दी गई है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, जमानत दे दी गई है। बृजभूषण शरण सिंह अब क्या गिरफ्तार हो पाएंगे अगली सुनवाई में, क्या, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कहा कि मेरे पास सबूत हैं, तमाम चीज़ें हैं और उसके बावजूद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो दर्शकों सवालों के घेरे में तो रहेंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाएंगे, क्या उन्हें जेल होगी, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तमाम अहम सवाल जो आप हम सब समझना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या करते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि बृजभूषण शरण सिंह वाकई में सलाखों के पीछे जाएंगे। अब पहलवानों को लेकर जो एक नया ड्रामा शुरू हुआ, देखते हैं इस पर कोर्ट में क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।